जयपुर सेंट्रल जेल में पिछले 3 साल से एनडीपीएस एक्ट में ट्रायल का सामना कर रहे कैदी तौफिक खान ने जेल प्रशासन के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनके भाई जाकिर हुसैन ने मीडिया से बातचीत में जेल प्रशासन पर मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। जाकिर हुसैन ने बताया कि तौफिक खान पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर है क्योंकि उनके साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तौफिक को डबल सेल में प्रताड़ित करने के लिए रखा गया है। इस मामले की जानकारी वकील के माध्यम से एनडीपीएस कोर्ट को दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की जानकारी ली और किसी भी प्रकार का क्रूर व्यवहार न करने की हिदायत दी है। इन आरोपों पर जेल अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तौफिक खान आदतन अपराधी है और पिछले 3 साल से जेल में है। उसका आना जाना लगा रहता है और एनडीपीएस एक्ट के तहत वह पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। उसका व्यवहार जेल में अनुशासनहीन और क्रूर रहा है, जिसके कारण उसे सजा दी गई है। अब वह अपनी बैरिक में आराम से रह रहा है। तौफिक और उसके परिवार द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। ये आरोप केवल जेल प्रशासन पर प्रेशर बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं। वहीं जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल प्रशासन पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहा है और कैदियों के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि तौफिक खान के आरोपों पर कोई आधार नहीं है, उन्हें अनुशासनहीनता की सजा मिल रही है। इस घटनाक्रम ने जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के मानव अधिकारों और प्रशासनिक कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत की निगरानी के बाद देखना होगा कि जेल प्रशासन और कैदी के बीच यह टकराव कैसे सुलझता है। क्या मामला है, कितने दिनों से आपके भाई को अंदर पूरा मामला सुन रहा है? ये मामला ये है कि जेल प्रशासन में जेलर हेमराज वैष्णव जी हैं, उन्होंने तौफिक से 2 लाख रुपए की डिमांड मांगी है कि आपको अगर जेल में सुविधाओं के साथ में रहना है, बिना गर्मी के रहना है, तो आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए। ये मामला है। उसके लिए आपने किस किस से गुहार लगाई है क्या? मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से गुहार लगाई है, डीजीपी साहब से लगाई है और अपने जेल प्रशासन के उच्च अधिकारियों को से लगाई है। कोर्ट में आपने कोर्ट में मैंने अपील की थी कि साहब तौफिक के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ में ये दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। तो कोर्ट में तौफिक ने भी एक एप्लीकेशन लगाई थी अपने 13-5 को, तो उसके बिहाफ पे कोर्ट ने एक्शन लेते हुए जेलर को वीसी पे लिया था और बोला था कि आप इसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करें और कैदियों की तरह ही इस कैदी को भी आप रखें अपनी जेल में। अभी कहां रखा हुआ है तौफिक को, आपको कुछ पता चला? कैसे पता चला? मेरे को 16 तारीख की रात को करीबन 11:30 बजे कॉल आया था और उन्होंने एक जो बंदी रिहा हुआ था उसने कॉल करके बताया कि आपका भाई भूख हड़ताल पे बैठा है और अगर उसके साथ में कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार जेल प्रशासन होगा, क्योंकि उसको डबल सेल में रखा हुआ है जहां ना पानी की व्यवस्था है ना पंखे की व्यवस्था है। तो कितने दिन से भूख हड़ताल पर है वो? लगभग पिछले 8-10 दिनों से भूख हड़ताल पे है और ना कोई उसकी, मैं मिलने गया था उससे जेल में तो मुझे मिलने भी नहीं दिया गया और बोला गया कि उससे मिलने पे जेल प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है, उससे कोई भी नहीं मिल सकता। आपकी वजह से अभी तक कोई कॉल आया इन 7-8 दिन में? अभी नहीं, ना तौफिक का कोई कॉल आया ना मेरे पास में कहीं से और कोई समाचार आया। क्या प्रक्रिया होती है कॉल की या क्या प्रक्रिया होती है? कॉल की प्रक्रिया ये होती है कि एक बंदी को रोज अपने घर वालों से 5 मिनट बात करने की परमिशन होती है एसटीडी से, जो वो अपने घर वालों से करता है। पिछले 8-10 दिनों से मेरे पास ना तौफिक का कोई कॉल आया है ना ही मेरे पास में उसका कोई मैसेज है। सर, किसी तौफिक नाम के कैदी ने बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आरोप लगाए हैं कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं और ब्रूटल व्यवहार किया जा रहा है। तौफिक जो एनडीपीएस के केस में है पिछले 3 साल से तो लगातार जेल में है और पहले भी लगातार जेल में आता जाता रहा है। एक हैबिचुअल, जैसे कहा जाए कि जेल के में बार बार आने वाला बंदी है और उसने तलाशी के दौरान हमारे स्टाफ के साथ अभद्रता से पहले भी व्यवहार किया, इस बार भी व्यवहार किया और बाहर धमकी भी उस जेल अनुशासनहीनता के लिए उसके
उसको जेल दंड से दंडित किया गया, जिसमें उसके जो कम्युनिकेशन है वो दो सप्ताह के लिए रोका गया। न तो उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई भूख हड़ताल की गई है, न की जा रही है, और अभी वो आराम से रह गए। आरोप कोर्ट में लगाए गए हैं कि पैसे की डिमांड की जा रही है उससे। निश्चित तौर से आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, तो कोर्ट उनका वेरिफिकेशन कराएगा। और ये जो आरोप है वो न्यायिक गलत है, क्योंकि मैं भी पूरे स्टाफ को नियंत्रित और सारी व्यवस्था को पर्सनल मॉनिटर करता हूँ। ये जो आरोप है वो दवा बनाने के लिए और उसकी अनुशासनहीनता, क्योंकि वो पूर्व में भी हैविशली अनुशासनहीनता का आदि है, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने के लिए जनरली बिजनेस की एक टेंडेंसी होती है उसके प्रति।